शांति आज 25 अगस्त 2023 है और आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेगी आदरणीय आशा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति दी बाबा ने कहा मीठे बच्चे ये संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है ये संगम है ब्राह्मणों की पूरी बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल जो है वो संगम पर ही होता है अन्य किसी युग में नहीं तो यहाँ पर बाबा कहते तुमको क्या करना है वर्षा लेना है ये तुम्हारा पढ़ने का जीवन है कमाई करने का जीवन है प्रश्न है इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे ये है बेहद का व्यापार बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते रहते हैं बच्चों का काम है मेहनत करना ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है बाबा कहते अपनी आ, कमाई का साधन खुद ढूंढना चाहिए कि कैसे हम कौन सी युक्ति करें जिससे हमारी कमाई ज़्यादा जमा हो गीत है रात के राही थक मत जाना पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति बच्चों के प्रति समझा रहे हैं कहते हैं कि बच्चे मुझे अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है गाया भी जाता है गीता का भगवान बाइबल का भगवान वो कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे hey बच्चे अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते बाबा ने कहा बच्चा पैदा होता है बाप को जानते हैं बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है hmm. फिर बाबा ने कहा अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो मैं तुमको सुख धाम में ले चलता हूँ अपने दिल अंदर देखो तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है पहले से इतना दुख नहीं मिलता है पीछे दुख वृद्धि को पाता है अब पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो सभी धर्म वालों को कहते हैं हे मेरे बच्चे तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है जिसको सब जीव आत्माएँ दुख में याद करती आई हैं वो अब ब्रह्मामुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं भाई जी जिसको तुमने याद किया कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर वह अब तुम्हारे सम्मुख है अब सम्मुख है तो किस लिए सुनने के लिए और सुन करके उसको धारण कर तो बाप समझाते हैं बच्चे हू बहू पाँच हजार वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए पाप भस्म हो जाएंगे बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है इस सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी वो एक ही निराकार बाप है इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो ये रथ है इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को ये सिखलाते हैं फिर बाबा ने कहा कि इस सृष्टि के आदि मध्य की समझानी देते हैं जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। hmm. तो जो बाबा ने कहा कि चक्रवर्ती सृष्टि चक्र यानी ज्ञान से चक्रवर्ती राजा बनेंगे पद पाएंगे और याद से विकर्माजीत बनेंगे ज्ञान से चक्रवर्ती अर्थात आप अपने देखिए चक्रवर्ती का अर्थ है जिसको सारा विश्व एक्सेप्ट करे तब तो आप सारे विश्व पर राज्य कर सकेंगे तो विश्व आपको एक्सेप्ट करें उसके लिए स्वदर्शन चक्र चलाना स्वदर्शन तो खुद का दर्शन खुद की करेक्शन करनी तो अपने आप को हम इतना अच्छा बनाएंगे इतना ऊंचा उठाएंगे जो सारा विश्व हमको स्वीकार करे तब हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा कि भी 21 जन्मों के लिए और भारत में जो भी उत्सव होते हैं शिव जयंती होली राखी जन्माष्टमी दिवाली आदि इन सब उत्सवों का महत्व और हरेक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं आओ बहनों भाइयों हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवें परिचय ले सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे वर्ल्ड ऑल पवित्रता सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे फिर बाबा ने कहा कि पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हैं ऊँचते ऊँचे उच है भगवान फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर उन्हों की महिमा है गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो ज़रूर वो स्थूल वतन में होगा ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ ये है रूहानी यात्रा जन्म जन्म से तुम तो जस्मानी यात्राएं करते आए अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं बाबा हमको सिखलाते हैं देखो उस यात्रा में तुम जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं लौट आते हो लेकिन ये जो यात्रा में सिखाता हूँ तुम यहाँ से चलते हो और फिर तुम वापस इस दुनिया में नहीं आते हो आगे ही आगे बढ़ते हो बाबा ने कहा स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा विक्रम विनाश तो करना ही है हिसाब किताब चुगतू तो होना ही है फिर नए सिर पाठ बजाना है बाबा ने कहा मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं मुक्ति व जीवन मुक्ति शांति व सुख देता हूँ दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा फिर बाबा ने कहा कि जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं यहाँ इस रास्ते को कोई नहीं जानते तो जो समझाए इसके लिए कहते हैं बेअंत तो फिर याद कैसे करें कुछ भी समझते नहीं है कोई ने कहा बेअंत फिर कोई ने कहा निराकार तो फिर निराकार उपासी बने आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम वही हैं दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचते ऊंच हो जाते हैं फिर बाबा ने कहा कि अब कलयुग शूद्र वरण फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारिया तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे नेचुरली इस तरीके के चित्र तो कहीं पर भी नहीं है जब उन्होंने जैपनीज ने देखे थे तो उन्होंने इतने हजारों में प्रिंट कराए थे फिर बाबा ने वरदान दिया स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है वो जानते हैं ये परवश है इसलिए शुभ भावना शुभकामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे घबराएंगे नहीं सदा मुस्कुराते रहेंगे स्वस्थिति से परिस्थिति ठीक करना अगर हम ठीक होंगे तो हमको तो सब कुछ ठीक नजर आएगा तो परिस्थिति जो है वो हमारे आगे झुक जाएगी और स्लोगन है भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए कमजोरियों के नहीं तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप मैसेज या व्हाट्सएप करें डबल एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री जीरो नाइन पर Om Shanti。